हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी माउनो एयू 400 के बारे में। फ्रेंड्स, ये माइक लेवलियर माइक्रोफोन है और जो कि आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ये मैंने करीब 300 करीब खरीदा था और आप इसको सेल के दौरान 300 में भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप बिना सेल के देखोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और ये फ्रेंड्स, ये हमारा माइक्रोफोन रहता है जो कि देख सकते हैं इसका लेंथ 2 मीटर होता है। फ्रेंड्स, ये अच्छा नॉइज कैंसिल कर देता है, ज्यादा तो नहीं करता है लेकिन ठीक ठाक नॉइज कैंसिल कर देता है। और ये ईयरफोन से तो बहुत ही लाख गुना अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये 2 क्लिप देखने को मिल जाती है। एक फ्रेंड्स ये सर, फ्रेंड्स ये 2 एक्स्ट्रा है जो कि ये मिला नहीं है, ये वायर ऑर्गेनाइजर है जो कि इसमें नहीं मिला था और रख दिए थे इसी में। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, एक एक्स्ट्रा क्लिप देखने को मिल जाता है। और ये जो है यहाँ पर आप इसको लगाकर यहाँ पर, और ये जो इधर ऐसे लग गया, और इसको आप जो कि DSLR में कनेक्ट कर सकते हो, तो इससे मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और फ्रेंड्स, इससे इसका एक अपग्रेड वर्जन आता है जो कि बोया कंपनी का होता है। फ्रेंड्स, उसका नाम ये माउनो का भी आता है लेकिन ज्यादा फेमस नहीं है। फ्रेंड्स, वो बोया BY-M1 करके एक और माइक्रोफोन आता है। फ्रेंड्स, वो लेवलियर माइक्रोफोन में वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में रहा है और अभी भी रहता है। अगर आपको वो मेरे पास भी है लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं उसका वीडियो नहीं दे सकता, मैं कभी कभी और अगले किसी वीडियो में उसका भी आपको रिव्यू दे दूंगा। फ्रेंड्स, उसका नॉइज कैंसिलेशन इससे मच बेटर है, बहुत ही ज्यादा बेटर है। लेकिन आप कम एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये ठीक ठाक ऑप्शन है आपके लिए। ये करीब आपको 300 के करीब मिल जाएगा। मैंने तो इसको 300 में ही खरीदा था और उसको मैंने 600 रुपए का खरीदा था। और फ्रेंड्स, उसका अभी मैं सेल के दौरान ही खरीदता हूँ और मैं आपको परचेजिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को दे दूंगा। आप चाहे तो खरीद सकते हो, नहीं तो आप जाके अमेजोन पे भी देख सकते हो, वो इजिली वहां पे भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको एक ये कैरी बैग देखने को मिल जाता है जिसका क्वालिटी एक बहुत ही तगड़ा है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर माउनो का लोगो है और ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना रबड़ का बना हुआ है, मतलब कमजोर नहीं है। देखने से यहाँ पे प्लास्टिक का लगता है और ये रबड़ की तरह थोड़ा फैलता है। और फ्रेंड्स, ये आप इसको ऐसे करके आप इसमें रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फोन है और मैं इसमें कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें अपना वॉइस रिकॉर्डर खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो अभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और चलिए मैं इसको आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप यहाँ पर ग्राफ बनना शुरू हो गया है, यानी कि ये अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है। और ये मेरे आसपास से ट्रेन भी गुजरता है फ्रेंड्स, तो ये उतना नॉइज कैंसिल कर देता है कि वो ट्रेन का आवाज इसमें नहीं आएगा। आपको वो माउनो जो बोया वाला होता है फ्रेंड्स, वो आपको करीब 8 मीटर का लेंथ के साथ देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और आपको उसमें आपको एक छोटा सा कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है, उससे आप उसमें एक सेल भी डलता है, उसमें सेल भी आपको उसी में मिलेगा। और एक और मिलता है जो कि आप DJ वगैरह में लगा सकते हो, वो DSLR में डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसमें, वो कनेक्ट वो जरूरी नहीं है उसको, उसका आगे वाला मिलता है उसमें भी, लेकिन वो DJ वगैरह में कनेक्ट करने के लिए होता है फ्रेंड्स। और उससे आप बोल सकते हो, और मतलब माइक तो बोलने के लिए ही होता है। और उसका नॉइज कैंसिलेशन अच्छा है फ्रेंड्स, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।